नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रोकली की सब्जी। बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है, इसे आप घर पे जरूर ट्राई करें। जिन्हें ब्रोकली खाना बिल्कुल पसंद नहीं, अगर वो इस सब्जी को टेस्ट करेंगे तो वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। ये सब्जी बनती ही इतनी बढ़िया है कि शादियों में बनने वाली सब्जी भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने लिया है ब्रोकली, इसे हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे और इसे हम वॉश कर लेंगे। आलू को भी हम इस तरह से काट लेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। दो मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। दो मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इसे भी हम रफली चॉप कर लेंगे। एक कप हम लेंगे हरे मटर। यहाँ पे हम एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन लेंगे और एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लेंगे और हल्दी पाउडर लेंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसे गर्म करेंगे और डालेंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो हम ब्रोकली को फ्राई कर लेंगे। डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम अलग से निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम डालेंगे आलू और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक और डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम अलग से निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, ऐड करेंगे कटे हुए प्याज को और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और कद्दूकस किया हुआ लहसुन और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कप हरे मटर, और डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर और इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अब यहाँ पे हम डालेंगे फ्राई किए हुए आलू को। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे।
यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से भुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। मसालों के भुनाई से ही सब्जी अच्छी बनती है। कश्मीरी लाल मिर्च देने के कारण इसका रंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे हम लो फ्लेम पे करीब 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए ये मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, मसालों से तेल रिलीज हो चुका है। अब हम यहाँ पे फ्राई किए हुए ब्रोकली को डाल देंगे और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए। सब्जियों के साथ मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोटल हम 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। देखिए हमारी सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट बनके रेडी है। इसका कलर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी। इससे सब्जी मीठी तो नहीं बनेगी पर टमाटर का जो खट्टापन है वो बैलेंस करेगा। सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे रोटी के साथ या नान के साथ या फिर पूरी या राइस सभी के साथ सर्व कर सकते हो। ये इतनी ही टेस्टी बनती है कि इसे आप किसी मेहमान को भी खिलाओगे तो आपकी तारीफ तो पक्की है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और हो सके तो कमेंट करके बताएं कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नई नई रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मेरा चैनल द स्पाइस ऑफ लाइफ बाय प्रीति शाह।